ओए ऊपर नहीं जाने देना इसको, ऊपर नहीं, कैसे फिर तुम खींच लो, आराम आराम से खींच लो, फंसा फंसा लिए उंगलियों उसने ऐसे। तो यार हमने एरो सैंड मंगवाई है क्योंकि हमारी दीवारों का काम शुरू होने वाला है डिजाइनिंग का, उसके लिए आम रेत यूज नहीं होगी, ये एरो सैंड यूज होगी। वाह भाई वाह, क्या बात है यार फियाज भाई, इतना जल्दी है? मैं तो अभी उठ के आया हूँ यार, यहाँ तक भी बना दिया आपने। तो यार हमारे न्यू मिनी जू में है, लेट आ गया यार मैं, आपको हमने बताया था यार, ये देखें वहां पर उनका घर होगा और यहाँ पर ये पूरी बाउंड्री होगी, पूरा एरिया उन्हीं खास जानवरों को ही देंगे हम। अभी आपको बताना नहीं है, थोड़ा सा बन जाए फिर बताऊंगा कि किस जानवर का हम ये घर बनवा रहे हैं। और बहुत ही प्यारा घर बन रहा है यार, आपको पसंद आएगा, खूबसूरत सारा न्यू मिनी ज़ू हमारा बहुत खूबसूरत होगा यार। यहाँ पर देखिए यार, सारी दीवारें ना वाइट वाइट हो गई है, जहाँ जहाँ तक धूप आई है ना सारी दीवारों का कलर वाइट हो गया है। ये वाली दीवारें वाइट नहीं हुई, ये वाली वाइट हो गई हैं, क्योंकि जो पानी छोड़ती है ना दीवारें उस तरह वाइट हो जाती हैं अगर उनको धूप लगे तो। ये भी अच्छा लग रहा है कलर, हम मिनी ज़ू को ना थोड़ा सा वाइट वाइट कलर भी करेंगे कहीं कहीं, वो भी प्यारा लगेगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब, ठीक हैं? हमारी यहाँ पर दोस्तों बकरियां खाना खा रही हैं और अब मैं आपको देने वाला हूँ एक खुशी की खबर। ये देख रहे हैं दोस्तों, ये वाली बकरी हमारी, ये वाली बकरी आपको पता है कि बच्चे देने वाली है, और आप सब कमेंट बॉक्स में पूछ रहे थे कि भाई आपकी बकरी बच्चे कब देगी। तो आज दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, हमारी बकरी इंशाल्लाह 12 से 15 दिनों के अंदर अंदर बच्चे दे देगी। हाँ भाई इधर देखो जरा, तुम मेरी तरफ देखो, हाँ जल्दी से बच्चे दे दो, सारे पूछ रहे हैं कि कब बच्चे देगी ये, सही है, बस जल्दी जल्दी बच्चे दे दो यार। ये जब बच्चे दे देगी ना एक महीने के बाद, फिर ये वाली बकरी भी बच्चे दे देगी। अभी खाना खाने में मसरूफ है यार, जब खाना खा लेंगे ना फिर हम तसल्ली से इनसे बातें करेंगे। तो अभी दोस्तों मैं जा रहा हूँ अपनी वुड डक्स के पास और अब मैं आपको दिखा देता हूँ अपनी वुड डक्स। काफी भाई कहते हैं यार वुड डक्स ना आपकी इसके अंदर जाके घोंसला बनाएगी, आपका ये जो नेस्ट है ना बिल्कुल ठीक है। यार हमने तो मकाऊ पैरेट्स के लिए ये बनाया था ना, लेकिन हमें नहीं पता था कि हमारे पास वुड डक्स भी आएंगी। तो चले यार, मकाऊ पैरेट्स ना सही, हमारे पास वुड डक्स हैं और ये अपना घर बना लेंगी। लेकिन अभी दोस्तों हम इनको डिस्टर्ब नहीं करते, पता है इनका ब्रीडिंग सीजन भी आने वाला है, जून जुलाई में ये अंडे भी दे देती हैं। लेकिन अगर ये खुश होंगी यहाँ पर तब जाके अंडे देंगी, नहीं तो ये बिल्कुल अंडे नहीं देगी। सितैन सुन रहे हो तुम, इनको डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं करना, इनके खाने पीने का ख्याल रखना है। हाँ भाई हम बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेंगे तुम दोनों को, तुमने बस यहाँ पर खुश रहना है और यहाँ पर बच्चे देने हैं, सही है, अंडे बच्चे। यहाँ पर तुम्हारा नेस्ट VIP बना हुआ है भाई, यहाँ पर उड़ के जाना और अंदर सुकून से यहाँ पर अंडे देना आपने। अभी दोस्तों मैं यहाँ से जाता हूँ, इनको ज्यादा तंग नहीं करते। आप सब कह रहे थे कि भाई रोज दिखाया करें, रोज नहीं दिखा सकते, दरवाजा खोलोगे भाई, रोज नहीं दिखा सकते दोस्तों, डर जाती है सहम जाती है। तो अभी बाहर जाता हूँ मैं। ओके क्या हुआ, आ जाओ नीचे, आ जाओ आ जाओ। चल मैं मास्टर केज में आपको कबूतरों के बच्चे दिखाने हैं जो यहाँ पर थे, देखिए कितने बड़े होंगे। पहले उनका कलर हल्का हल्का आ रहा था, अभी देखिए यार कितना बड़े हो चुके हैं। ये बच्चे हैं एक, और दूसरा किधर है, एक ही था शायद, मुझे याद नहीं पड़ रहा, एक था या दूसरा आपको पता है, उससे जाके पूछूंगा। यहाँ पर भी ना कबूतरों ने अंडे दिए हैं क्या, नहीं एक अंडा दिया हुआ, छोटा सा अंडा दिया हुआ, इनक्यूबेट कर रहे हैं, गर्म है, इसमें से बच्चा निकलेगा, बाकी सब ठीक है यहाँ पर। और दूसरा हमने बिल्ली से बचाने के लिए एक और जुगाड़ किया है, एक तो हमने ऐश फियोना को यहाँ पर बंद करना शुरू कर दिया है, रात को इधर ही रहते हैं, कोई भी बिल्ली नहीं आती, सिवाय ब्लैकी के, ब्लैकी बस यहाँ तक आती है, इनसे डर के पीछे चली जाती है। और जो भी जंगली बिल्ले यहाँ से आते हैं ना, बाहर वाले आवारा बिल्ले बिल्लियाँ, सारे के सारे ऐश फियोना को देख के डर के भाग जाते हैं, कबूतरों पर हमला नहीं करते। कल रात को हमने ऐसे ही किया था, तो अब हमारे कबूतर बिल्कुल सेफ है, बिल्लियाँ कुत्तों से डरती है ना, इस वजह से इधर नहीं आती। यार ऐश फियोना को रखने का ये बहुत बड़ा फायदा है हमें, हम बिल्लियों से महफूज रहते हैं, हमारे परिंदे बिल्लियों से बच जाते हैं। हमने ऐश फियोना को पहले उस साइड में बंद किया हुआ था ना, इस वजह से वो बिल्ले आते थे, उन्होंने हमला भी किया हमारे कबूतरों को, देखें हमने दरवाजा भी तोड़ दिया था। अभी इधर रहेंगे ना ऐश फियोना, एक बिल्ला भी नहीं आएगा, ये बड़ी अच्छी बात है ऐश फियोना की। वेरी गुड ऐश और फियोना, तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, ठीक है, अच्छी बात है। ऐसी कोई भी बिल्ला कुत्ता कुछ भी आए ना, उनको डरा के भगा देना है, ठीक है, तुमने भी अच्छा काम किया और तुमने भी। हाँ भाई क्या हुआ, ये क्या है, एक मिनट, यार मैं बताता हूँ क्या हो गया है, किसने दिया है, क्या लेके आयो, क्या हुआ। तो यार ये इतना प्यारा है सिप्तान, हाँ मैंने लाइफ में इतना क्यूट जानवर नहीं देखा, नहीं देखा, हाँ जानवर, हाँ खोले फिर देख ले, हम भी देख ले जबाने। यार इस तरह के गोट्स मुझे बहुत ज्यादा पसंद है यार, गोट्स हमारा माइलो नहीं है, काले धब्बे और वाइट, इसमें बकरी है भाई, गोट की तरह है कलर उसका, गोट की तरह कलर है, जैसे हमारा माइलो नहीं है, हाँ वैसे माइलो तो व्हाइट है, व्हाइट एंड ब्लैक नहीं है,
हाँ मतलब व्हाइट और ब्लैक जैसे माशा था। बहुत प्यारा। हुई शेयान इधर आओ, आप भी आओ, पिशी दोनों आओ, नीचे आओ, एक चीज लाए तुराब चाचू। आ जाओ शाबाश। यहाँ पर भाई तुराब लाया है, पता नहीं कौन सा जानवर कहते हैं व्हाइट और ब्लैक कलर का है, जो कि इसको बहुत पसंद है। ये बिल्ला है, सही है बिल्ला, और ये हमें किसी ने दिया है, गिफ्ट दिया है। गिफ्ट नहीं दिया, उन्होंने बोला हमारे घर में जगह नहीं है, सही है। हाँ? आप ना इसको रखो, अगर आपके पास ये कंफर्टेबल होता है, अगर आपके पास ये खुशी खुशी रहता है तो आप इसको रख लेना, अगर तंग करे तो फिर हमें बता देना। मैंने फिर उनको बोला कि हम कोशिश करते हैं इसको रखने की, इससे अच्छा और मौका मिलेगा हमें, इतना अच्छा तुम कह रहे हो जानवर है, हम इसको पाल लेंगे जैसा तो भी होगा। घर वाले तो इजाजत नहीं देते, मिनी जू में रखना पड़ेगा, मिनी जू में रखना पड़ेगा। एक मिनट यार, हम देखने लगे हैं ये कौन सा जानवर लाया है, हमें किसी ने दिया है सब्सक्राइबर वगैरह ने, तो क्या ये तो ब्लैक ही है, ब्लैक ही नहीं है और क्या, क्या हो गया, ये तो ब्लैक ही है यार, ब्लैक ही है, प्रैंक तो नहीं कर रहे कोई, ब्लैक ही तो नहीं है अंदर है, नहीं यार ब्लैक ही, प्रैंक कर रहा है हमारे साथ, पुरानी अपनी बिल्ली लेके आ रहा, कहते किसी ने दी है यार, मैं दिखाता हूँ ना अपनी बिल्ली नहीं है ये, देखो हमारी बिल्ली कहाँ से वाइट है, हाँ ये यार देखो। हमारी ब्लैकी को वाइट तो इस तरह धब्बा तो नहीं, हाँ, है तो ये ब्लैक ही है, निकालो है इसको, निकालो क्या बला है ये, जिंदा भी है, हिल भी नहीं रही है, बहुत तो यार अभी तुराब उस बिल्ले को निकालने लगा, नहीं खोलते, हाँ ये भाग गया ना सीधा ऊपर जाएगा, फिर कैसे पकड़ेंगे इसको, आ जाओ मिनी जू में लेके चले, मिनी जू में चलो, शाबाश यार, हम इस बिल्ले को ना मिनी जू में लेके चलते हैं और वहीं पे खोलते हैं, चले इसको दिखाएं, वो देखते हैं ब्लैकी क्या कहती है, अभी तो ये बंद है बिल्ला, ब्लैकी ये देखो दोस्त आया तुम्हारा, हो गई अभी बंद नहीं थी बाद में, आ जाओ तुराब। तो हम दोस्तों आ गए हैं मिनी जू में और अब हम यहाँ पर इसको खोलेंगे, छत के ऊपर नहीं खोल सकते थे, नया बिल्ला था, डर जाता, अगर मेरे हाथ से ये छूट जाता तो क्या होता कि दूसरों के घर में चला जाता, फिर मुश्किल हो जाता इसको पकड़ना, आज इसको खोलते हैं। सबसे पहले ये वाला दरवाजा हम बंद कर देते हैं, अब खोल के दिखा दो भाई क्या चीज लाए हो तुम। अब सिप्तान अगर घर वालों ने इतराज किया ना कोई, आप सब ने मेरा साथ देना है, सही है, आपने घर में बोलना है कि भाई हमने ये रखना है तो बस रखना है, सही है, सही है, सही है सिप्तान, ओके, ये ना हो कि तुम साइड पे कोने पे ठहर जाओ। ओ भाई इसका मूंग देखो कैसा है, मैं तो अचानक से देखा है, निकालो, ये देखे इसके मुंह पे व्हाइट व्हाइट है, बहुत प्यारा यार, मुझे तो बहुत अच्छा लगा सिप्पी, मुझे भी यार, इसको उठाओ निकाल कि बाहर भाग ना जाए, वाओ इसको उठाओ, उठाता नहीं वो खुद आएगा बाहर, भाई देख रहे, आ जाओ आ जाओ, ये नया घर है तुम्हें पसंद आएगा, हमने वैसे भी कैट हाउस बनाना है मिनी जू में, तो बहुत ज्यादा कैट्स रखेंगे हम, प्यारी प्यारी, ये गया, ओ भाई भाई नीचे से गुजर जाएगा, नहीं गुजरेगा। परेशान क्यों हो रहा है ये, जैक हाँ। तो यार इसका नाम जैक है, तुराब ने क्या है, तो तुराब जैक को उठा लो, मैं तो ये कहूंगा, वो ऊपर से चला जाएगा तुराब, ये निकल गया नई जगह पे यार, इसका एडजस्ट करना बहुत, जैक को प्यार से उठाओ, प्यार से, डर रहे ना बस, कंफ्यूज हो रहे ना, ये देखिए कितना प्यारा बिल्ला है यार, इधर देखो जैक, जैक जैकी, यार हमें तो बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है ये वाला बिल्ला, आप बताएं आपको कैसा लग रहा है, कमेंट्स बॉक्स में बताना कि इसका नाम जैक ही अच्छा है, कोई और नाम रखे, इसकी शक्ल देखें, इसका नाम रखते हैं चांद, चांद नहीं नहीं जैक चांद कोई भी नाम हो, लेकिन वो ऊपर जा रहे तो आप नहीं जाएगा, पालतू है भाई, उन्होंने बोले 5 साल हमारे पास रहा है, 5 साल क्या, ये 5 साल आपसे तो बड़ा ये है, मेरे पास आ तो मैं कुछ भी नहीं कहूंगा, मुझे नाखून ना मारो बस यार, आ जाओ शाबाश, मैं कुछ नहीं कहूंगा, मुझे कुछ ना कहना, बंद हो गया, अब लेके चलते हैं, अब लेके जाते हैं इसको, आ जाए भाई आ जाए, आ जाओ जैक बाहर आ जाओ, तुम्हें ये वाला भी मिनी जू मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर बहुत सारे तुम्हारे दोस्त हैं, अगर तुम बनाना चाहो, दोस्ती लगाना चाहो तो, ओए वो ऐसे कर रहा है, ओए कुछ यार तुम्हें नाखून मारेगा तो आप बस, इससे कैसे से बचा के रखना इसको, ओए जैक यार बहुत शरारती बिल्ला है ये तो, ब्लैकी की तरह शरीफ होता ना फिर बात थी, अब शरारती बिल्ला मेरी गोद में आ गया भाई, आप नहीं कुछ कर रहा सिपी, तुम क्यों देख रहे हो उसको गौर से, प्यारा से बिल्ला है ना, तुम्हारी तरह है, तुम्हारे जैसे बड़े बाल है ना, इसके भी बड़े बाल है, क्या हो गया, इसकी शक्ल देखो उसकी देखो, नहीं बालों की बात कर रहा हूँ यार, उसके बाल देखो इसके बाल देखो, ये तो सारे जानवर एक जैसे हैं, सबके बाल होते हैं, चुप रहो, ये देखो जैक ये है वुड डक्स, इनके साथ भी तुमने मिलजुल के रहना है, ऊपर क्यों जा रहे हो जैक, ओए ऊपर नहीं जाने देना इसको, कैसे फिर खींच लो आराम आराम से खींच लो, फंसा लिए उंगलियों उसने, तो बहुत तेज बिल्ला है यार, इधर आओ ना मेरे पास, आ जा छुड़वाओ यार, हाँ यार सही है, जैक 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 जैक
तो यार जैक को हम ना अभी फिलहाल यहाँ पर बंद कर देते हैं इसके अंदर, इधर हो सकता है इसको कहाँ बंद करना, इधर इसके अंदर, इसके अंदर, ठीक है, ठीक है। उसके बाद फिर हम इसका बंदोबस्त करते हैं कि इसको कहाँ रखना है, अपने घर में रखना है या मिनी जू में बांध के रखना है फिलहाल, ठीक है, सोचते हैं, सोचते हैं। चलो जैक, जाओ 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 जैक, चलो शाबाश। और इसने बड़े नाखून मारे मुझे। हाँ भाई, अब आराम से इधर ही बैठो, अंडे देना है मुर्गियों की तरह, ठीक है, जहाँ पे घुस गए हो तुम। अभी ये डरा हुआ है, पहला दिन है इसका, तो इसको 2-3-4 दिन लग जाएंगे यहाँ पे एडजस्ट होने में, तो मैं खाना पानी सब सही से मिलेगा, टेंशन नहीं लेनी। हाल देखिए, देखो नाखून मारा सारे, तो आप ये देखिए यार, ये नाखून, ये नाखून, ये खून भी है थोड़ा, यहाँ पर भी नाखून खून भी है, मजा आ गया। तो यार शाम हो चुकी है, सुबह तुमने जल्दी उठ जाना है, सही है, ठीक है। ये क्या था मेरी सांस? अच्छा, कैसी का घास आ गया, उसने ना पैरों की आवाज सुन ली है। वहां पर कैसी का घास आया है, उसने घोड़े की आवाज सुनी है पैरों की, फिर इधर से ये चिल्लाने लग गई है। कमाल है यार, ये बहुत ही अच्छी साउंड निकाली और हमारे कानों में भाई कभी नहीं सुनी दोस्तों ऐसे। खैर बात तो रह गई दोस्तों, मैं आपको बताना चाह रहा था कि भाई सुबह हमारे पास हमारे मिनी जू में एक जानवर आने वाला है, साथ में उसका बच्चा भी है, बहुत ही प्यारा होगा यार। और सितैन भाई अब क्या कहें, मैंने सुबह जल्दी उठ जाना है, अगर तुम सोए रहे ना मैं उठा देना, ठंडा पानी गिरा दूंगा तुम्हारे। आराम से बोला सितैन, जानवर आगे मैं उठ जाऊं। सही है, सही है, ऐसे करेंगे। तो खैर दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी और आपने बताना है कि आपको बिल्ला कैसा लगा, मुझे बहुत प्यारा लगा रहा। तो मिलेंगे इंशाल्लाह कल, अगर वीडियो पसंद हो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज। डाल दे, डाल दे। ये अभी तक आपको मारती है? और क्या हैं? आप रोज आते हो, घास डालते हो, फिर भी भैया तंग करती है या मैं? कोई नहीं यार, ये धोखेबाज है, दगाबाज। हाँ सही कह रहे हो आप।